चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर लिखेगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अवस्थिति। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा अवस्थिति। अवस्थिति में आप क्या बताएंगे कि भारत की अवस्थिति कहां पर है? देखिए, ये हो गई आपकी क्या, पृथ्वी। पृथ्वी के सेंटर पे जो लाइन खींचा गया है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर? इसके ऊपर की आधी पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की आधी पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश क्या है आपके? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश कौन से हैं? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, वैसे ही ये हो गया आपका कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर 23.5 पे कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 67.5 डिग्री नॉर्थ पर ये क्या है आपका? आर्कटिक। वहीं 23.5 डिग्री साउथ जो है वो मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक। ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल, ये आप जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की आधी पृथ्वी क्या कहलाती है? पूर्वी गोलार्ध। और उसके देशांतर होते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, और पश्चिम की आधी पृथ्वी पश्चिमी गोलार्ध और उसके देशांतर जो है वो कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके बाद आप समझिएगा कि हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो बताइएगा, कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा ये है। इस हिसाब से हमारा भारत यहां या तो यहां, ये दो जगह की पॉसिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा हमारे भारत के बीचों बीच एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम खींचा गया है। क्या बोलेंगे? भारत के बीचों बीच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बात करेंगे ये कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। और इस तरफ हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये बात समझ में आ रही? चलिए, एक और चीज समझिएगा कि पृथ्वी पे कितने देशांतर हैं? 360 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी में 360 डिग्री देशांतर हैं, यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, बात समझते रहिएगा, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी में कितने देशांतर है? 360। 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लगा? तो 360 डिग्री कितना घंटे में? 24 घंटे में। 360 डिग्री मतलब एक चक्कर लगाने में, क्योंकि जितने देशांतर होंगे वो सब के सब क्या होंगे? घूमेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए, ये पृथ्वी पे आप देखिएगा कि अगर पृथ्वी यहां से यहां घूमती है तो कितना डिग्री घूमेगी? पृथ्वी यहां से यहां जब और घूमेगी तो 90 डिग्री और घूमेगी। तो 90 90 कितने हो गए? तो बता दीजिएगा, 180। अब जब यहां से यहां आएगी तो 90 और हो जाएगा, तो 180 90 कितना हो गया? और जब यहां से यहां आएगी तो 90 और घूम लेगी, है ना? तो 270 और 90 कितना हो गया? तो ये देखिए, पृथ्वी को घूम कर वापस अपनी जगह पर आने में पृथ्वी कितना डिग्री घूमी? 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 24 घंटा। अब घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैथमेटिक्स से समझिएगा। तो 24 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 मिनट होते हैं। यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में 1440/360, बता पाएंगे आप? 1 डिग्री घूमने में 1440/360, जब आप काटेंगे तो आप देखिए, 36 दुना 72, 72 दुना 144, तो मतलब कितना आ जाएगा इसका? 4। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट का समय लगता है। 360 डिग्री घूमने में, यानी एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? आपको पता होना चाहिए कि यही 4 मिनट जब आप 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाते हो, यानी पूर्वी देशांतर की ओर जाओगे, तो हर एक डिग्री पे आपका 4 मिनट क्या होता है? जुड़ता है। ये पता होना चाहिए। जब आप 0 से इस तरफ जाओगे तो हर एक डिग्री पे आपका 4 मिनट क्या होगा? घटेगा। ये आपको पता रहना चाहिए। 0 डिग्री को आपने क्या माना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और या फिर क्या बोलेंगे इसी को? ग्रीनविच मीन टाइम।
चलिए, तो आप देखिएगा 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम। आप 0 डिग्री के पूर्व की तरफ जाएंगे यानी पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो समय क्या करते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, हर एक डिग्री पे कितना मिनट जोड़ेंगे। अब 0 से इस तरफ जाइएगा पश्चिमी देशांतर की ओर तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट क्या करिएगा, घटाइएगा। ये आप कर पाएंगे। चलिए अब आप और समझिएगा, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं, हम इंडिया को ही बेस मान के चलेंगे। अब देखिएगा 0 के इस तरफ हमारे समय की बात करें, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये कभी सुना है आपने? नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप नॉर्मली आप समझिएगा कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, हमारे भारत में जो खींचा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी +5.5 घंटा। और प्लस होने के नाते हमारा जो भारत होगा वो ये होगा, आईएसटी हमारे भारत ये होगा कि ये होगा, ये बताइए। अगर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से +5.5 घंटा प्लस, और प्लस कब होता है, जब आप किस तरफ जाते हैं, और माइनस कब होगा, तो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से +5.5 घंटा आगे है, तो आपको बताइए आईएसटी ये होगा कि ये होगा, जल्दी बताइए, राइट वाला कि लेफ्ट वाला। चलिए ऑब्वियस बात है पूर्व, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारा भारत नहीं है, ये हमारा भारत यहां वाला नहीं, ये हमारा एक्चुअल भारत है, ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा यहां पर देखिएगा, अगर हमारा भारत यहां पर है तो अक्षांशीय दृष्टि से वो कौन से गोलार्ध में हुआ, 0 डिग्री के ऊपर हुआ या नीचे हुआ, जल्दी बताइए, ऊपर हुआ। अरे भारत 0 डिग्री ऊपर नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है, बोलिए ना, ऊपर नजर आ रहा है, मतलब ये कौन से गोलार्ध में हुआ, और ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है कि पश्चिम में, यानी देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में हुआ। तो कोई पूछे कि हमारा भारत कहां पर है, तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से, या आप डायरेक्टली बता सकते हैं हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है, तो बता दीजिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ रही, हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में होने के नाते भारत के अक्षांश क्या कहलाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में होने के नाते भारत के देशांतर क्या कहलाएंगे, बात समझ में आ रही। इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए भारत के सभी अक्षांश क्या होंगे, तो भारत में जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी ये सब के सब कौन से अक्षांश कहलाएगी। भारत का जब उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु कौन से अक्षांश पे होगा, यहां तक कि भारत के दक्षिणी बिंदु की भी बात करेंगे तो वो भी कौन से अक्षांश पे होगा। तो ये बिल्कुल मत समझना कि उत्तरी बिंदु है तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी बिंदु है तो दक्षिणी अक्षांश तब होता जब वो 0 डिग्री के कहां होता, बात समझ में आ रही। तो भारत में जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे, और सेम कंडीशन अगर देशांतर की बात करेंगे, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो सभी देशांतर क्या होंगे। तो ये देखिएगा कि जब देशांतर रेखाएं खींची जाएगी, ये देखिए, तो सारे देशांतर कौन से देशांतर होंगे, बोलिए, तो भारत का पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो कौन से देशांतर लिखूंगा मैं, और भारत के पश्चिमी बिंदु की भी बात करूंगा तो भी कौन से देशांतर लिखूंगा, बात समझ में आ रही। पश्चिमी देशांतर मत लिखेगा कि पश्चिमी बिंदु है तो पश्चिमी देशांतर तब होता जब वो 0 डिग्री के पश्चिम में होता, क्लियर, ये बात समझ में आ रही। तो आप अवस्थिति में बता दीजिएगा कि अवस्थिति में क्या बताइएगा, लिख लीजिएगा अवस्थिति में बता दीजिएगा, पहली चीज कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के सभी अक्षांश क्या होंगे, बताइएगा उत्तरी अक्षांश, और सभी देशांतर कौन से होंगे, तो बता दीजिएगा पूर्वी देशांतर, क्लियर, बता पाएंगे आप। चलिए अंजना, थैंक यू। चलिए अब ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अवस्थिति बता देंगे, भारत कहां पर है, कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होने के नाते सभी अक्षांश कौन से अक्षांश होंगे, और सभी देशांतर कौन से देशांतर होंगे। चलिए ये हो गया, अब अगला हेडिंग डालिएगा अक्षांशीय और
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसको पढ़ लेते हैं। बनाइए एक प्यारा सा भारत बनाइए, ये हो गया अंडमान निकोबार, बनाइए जल्दी से एक प्यारा सा भारत बनाइए। अब समझिएगा यहां पर, अब देखिए ये एक बात और बता देता हूं आपको, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किसको बोलते हैं वो समझिएगा। ये देखिए, ये दक्षिण दक्षिणी बिंदु और ये उत्तरी बिंदु, क्लियर। आप देखिए दक्षिण में क्या कैसे लाइन खींच रहे हैं, ये कैसी रेखा है तो बता दीजिएगा, क्षैतिज। इसी क्षैतिज रेखा को ही क्या कह रहे हैं हम, अक्षांश। तो दक्षिण से लेकर यहां तक किसका विस्तार है, अक्षांश का विस्तार है। और जब पश्चिम बिंदु बात करूंगा तो मैं खड़ी लाइन खींचूंगा, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, देशांतर। तो यहां से लेकर यहां तक किसका विस्तार है, तो आप यहां पर देखिए तो दक्षिण से उत्तर के विस्तार को, ये सब का सब लाइन, ये क्या है, ये सब अक्षांश। तो दक्षिण से उत्तर के विस्तार को हम कौन सा विस्तार कहेंगे, ये कौन सा विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। बात समझ में आ रही। और जब आप बात करते हैं पश्चिम से और दक्षिण से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर है जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो पहले हमारा क्या ही आएगा और बाद में क्या आएगा, तो हम कहां से जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही। और इस तरफ जीरो डिग्री देशांतर होने के नाते हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले क्या आएगा, पश्चिम। मैं उत्तर से दक्षिण का विस्तार नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, दक्षिण से उत्तर के विस्तार को कौन सा विस्तार कह रहे हैं, और पश्चिम से लेकर पूर्व के विस्तार को कौन सा विस्तार कह रहे हैं, देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ये भी बात समझ में आ रही। तो एक हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार और एक हो गया देशांतरीय विस्तार, बात समझ में आ रही। दक्षिण से उत्तर के विस्तार को कौन सा विस्तार कहेंगे, जल्दी बोलो, और पश्चिम से पूर्व के विस्तार को कौन सा विस्तार कहेंगे। दो बातें समझ में आ रही। अब हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे और उत्तरी बिंदु, हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु और हमारे भारत का उत्तरी बिंदु, हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु, हमारे भारत का पूर्वी बिंदु, क्लियर। और दक्षिणी बिंदु के मामले में बताऊं तो हमारे भारत में एक नहीं बल्कि कितने दक्षिणी बिंदु हैं, दो, क्योंकि वो अंडमान निकोबार भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसका दक्षिणी बिंदु भी कंसिडर करेंगे। लेकिन यह है भारत की मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का यह दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का यह उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का पश्चिमी बिंदु और मुख्य भूमि का, तो एडिशनली आप इसको याद रखेंगे अंडमान निकोबार का, बात समझ में आ रही। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, लिखिएगा जल्दी, 6 degrees 4 minutes उत्तरी अक्षांश, चूंकि टारगेटेड मैच है हम आराम से नहीं चल सकते, मस्ती मजाक नहीं कर सकते, बातें ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा। ये शुरू से आपका माइंडसेट में क्लियर रख रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपने रफ्तार बना के रखेंगे। चलिए, तो भारत का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश पे, जल्दी बोलिए, आप पढ़ रहे हैं आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मजा आएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु 6 degrees 4 minutes उत्तरी अक्षांश, क्लियर। दो बातें बताएंगे, कहां पर है और किस जगह से लिया गया, नहीं किस अक्षांश पे है और किस जगह से लिया गया, किस अक्षांश पे है 6 degrees 4 minutes उत्तरी अक्षांश, कहां से लिया गया। यहां बात समझिएगा, अंडमान और निकोबार में अंडमान को 4 और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। अंडमान के 4 भागों के नाम बोलिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। एक बार में बोलिए जल्दी से, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, पहला बोलिएगा कार निकोबार, लघु निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। चलिए बताइए, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, हर एक चीज जो क्लास में बताई गई है आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, किसी भी सूरत में आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो सबसे नीचे क्या नजर आ रहा है, सबसे नीचे क्या नजर आ रहा है, ग्रेट निकोबार के नीचे एक जो दक्षिण में एक जगह है उसका नाम लिखिएगा इंदिरा पॉइंट, क्या बोलिएगा, इंदिरा पॉइंट, और इसे कहते हैं पिगमेलियन, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु, यह है भारत का दक्षिणी बिंदु, यह है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, बात समझ में आ रही। जब बात करेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु तो किसके नीचे लिया जाएगा, अंडमान निकोबार के नीचे।
जब बात करेंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ये केरल और ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल और वो हो गया तमिलनाडु, तो दक्षिणी बिंदु कौन से राज्य में है? फिर से बोल रहा हूं, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन से यूनियन टेरिटरी में, तो अंडमान निकोबार। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन से राज्य में? तमिलनाडु। बता पाएंगे आप? तो यह है भारत का दक्षिणी या दक्षिण, जब तक मुख्य भूमि नहीं बोला जाएगा आप इसी को कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो भारत का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश में, जल्दी बोलिए। अरे भैया उत्तरी अक्षांश के पहले कुछ लिखा है, 6 degree 4 minute, और इसको पॉइंट मत बोलिएगा, 6.4 बिल्कुल नहीं, 6 degree 4 minute उत्तरी अक्षांश। और कहां से लिया गया है? ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट से लिया गया। और ये हो गया भारत, वो बता के अलग कर दीजिएगा। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु लिख लीजिएगा 8 degree 4 minute उत्तरी अक्षांश। बोलिए 8 degree 4 minute उत्तरी अक्षांश, बोलिए। और कहां से लिया गया? तो तमिलनाडु राज्य के इस जगह का नाम लिखिएगा केप कैमोरिन, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। तुरंत बोलिए और याद करने की कोशिश करिए, तुरंत बोलिए और याद करने की कोशिश करिए। आप समझिएगा कि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए फायदा करेगा। चलिए, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बता दीजिए, बोलिए। 8 degree 4 minute उत्तरी अक्षांश कहां से लिया गया है? तमिलनाडु के कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी से लिया गया है। जबकि भारत का उत्तरी बिंदु, जबकि भारत का उत्तरी बिंदु 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश पर है। ऑनलाइन वाले भी अपने पास में बोल ले, 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश पर है, जो कहां से लिया गया है? ये देखिए, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये हो गया आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो ये उत्तरी बिंदु है, उस जगह का नाम बताइएगा इंदिरा कॉल, कॉल के ऊपर चांद लगा दीजिएगा, इंदिरा कॉल। तो भारत का उत्तरी बिंदु बोलिए कौन से अक्षांश पर है? 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश पर है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के इंदिरा कॉल से लिया गया है। ये बात समझ में आ रही है? ये बताया मैंने क्या, ये क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने अक्षांशी विस्तार, ये क्या बताया मैंने? अक्षांशी विस्तार, मैंने एक साथ बता देना है, अक्षांशी विस्तार और देशांतरी एक साथ बता रहा हूं। ये था हमारा अक्षांशी विस्तार। अब हम बात करेंगे किसका, किसकी बात करेंगे? देशांतरी विस्तार। बात समझ में आ रही? और जब देशांतरी विस्तार हो जाएगा तो एक साथ पूरा रिविजन करके आगे बढ़ जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक टॉपिक करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, और मेरे साथ साथ आपका भी पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? मेरे साथ साथ आपका भी पूरा होना चाहिए। चलिए आइए, अब देशांतरी विस्तार में एक बात और समझिएगा, ये जो गुजरात का ये वाला जो सेक्शन है, ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले को आप क्या कह रहे हैं, कच्छ का रण, ऊपर वाले क्या कह रहे हैं? हालांकि उसमें कच्छ का क्षेत्र अलग है और कच्छ का रण का क्षेत्र अलग है, फिलहाल आप कच्छ का रण कहिएगा। और ये बता दीजिएगा ये क्या है, काठियावाड का पठार। तो ये हो गया कच्छ का रण, ये हो गया काठियावाड का पठार, ये देखिए अलग अलग। तो सबसे पश्चिम कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, पश्चिमी बिंदु कहां पर है? कच्छ के रन में होगा कि काठियावाड़ के पठार में होगा? तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर है, कच्छ के रन में है। चलिए यह भी हो गया, अब यहां पर आप बात समझिएगा, तो भारत का पश्चिमी बिंदु, कलर बदल देते हैं, 68 degree 7 minute पूर्वी देशांतर पर है। आप समझ रहे हैं ना, पश्चिमी बिंदु होने के नाते फिर भी क्या लिख रहा हूं, पूर्वी देशांतर। दक्षिणी बिंदु होते हुए भी मैं क्या लिख रहा हूं, उत्तरी अक्षांश। बात समझ में आ रही? क्यों लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूर्वी गोलार्ध में। चलिए, तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो है 68 degree 7 minute पूर्वी देशांतर पे है, और कहां से लिया गया? ये देखिए, राज्य कौन सा? गुजरात। गुजरात में जगह कौन सा? बोलो, कच्छ का रण। तो गुजरात के कच्छ के रण के इस पश्चिमी बिंदु का नाम बता दीजिएगा, बोलिए गुआर मोटा, बोलिए गुआर मोटा, जल्दी से बोल डालिए। भारत का पश्चिमी बिंदु 68 degree 7 minute पूर्वी देशांतर पर है, जो गुजरात के कच्छ के रन के गुआर मोटा से लिया गया है, हो गया। जबकि भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का पूर्वी बिंदु जो है 97 degree 25 minute पूर्वी देशांतर पर है, जल्दी से बोलिए, 97 degree 25 minute पूर्वी देशांतर पर है, जो कहां से लिया गया है? तो ये राज्य बता दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश।
कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के बता दीजिएगा की बी थू। चलिए बोलिए क्या बोलेंगे? की बी थू से लिया गया। तो पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, ये भारत का कौन सा विस्तार है? भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बात समझ में आ रही है? भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया हमारे पश्चिमी बिंदु और ये हो गया पूर्वी बिंदु। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये जो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा नॉर्थ ईस्ट बनाइए। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट ये जो है, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य होते हैं, जल्दी बता दीजिए। ऑनलाइन वाले बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, जल्दी बताइए, मैसेज करके बताइए। बताइए नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? छोटा सवाल है, सिंपल सवाल है, बता दीजिए। ठीक है, खुशी कह रही है 7। एक ही खुशी नहीं है यहां पर जो बैठी है, कई सारी खुशियां हो सकती है। युगल किशोर 7। चलिए तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य जो सोचते आए थे ना, वो गलत है। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य होते हैं? 8 राज्य होते हैं, जिनमें से 7 राज्य 7 सिस्टर कहलाती है और एक हो गया आपका क्या, सिक्किम। तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पे ज्ञान ज्योति आपने भी 7 कहा है, ये गलत है, थोड़ा सा इसे सुधारें। अब देखिए यहां पर इन राज्यों के नाम भी याद कर लीजिए। देखिए नाम एक एक करके याद करते हैं। बताइए ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, ये हो गया मेघालय। मतलब आगे ये नहीं रहना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है 8, ये 8 के 8 राज्य रटा भी होना चाहिए, इवन इनकी राजधानी भी पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बोलिए अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, एक सांस में रट्टा मारिए, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय। उसके बाद यहां पर आइए, ये हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर और ये हो गया आपका मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बीच में हो गया आपका, ये हो गया आपका त्रिपुरा। तो एक सांस में आप देखिए 3, 3, 6 और 1, 7 राज्य रट्टा मारिए। यही 7 राज्य ही क्या कहलाते हैं, तो बता दीजिएगा 7 सिस्टर कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले 3 राज्यों के नाम अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, तो 3 बार बोल लीजिए अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय। नीचे के 3 राज्य बोल दीजिए, नागालैंड, क्रम से याद रखिएगा, नागा के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम और ये हो गया बीच में क्या, त्रिपुरा। ये हो गया 7 सिस्टर और यहां पर ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका सिक्किम। तो सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शामिल कर लिया गया। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के शामिल करने से पहले 7 राज्य ही थे, लेकिन जब सिक्किम को शामिल किया तो ये हो गए 8। बात समझ में आ रही? चलिए अब इनकी राजधानी आपके लिए होमवर्क है, इनकी राजधानी रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, राजधानी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है, यहां पर देखिएगा जो पूर्वी बिंदु है, ये एक कौन से राज्य टच कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जगह, की बी थू, बता पाएंगे आप? चलिए इसमें तो ये चीज क्लियर हो गई ना, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, ठीक है, बता पाएंगे सब लोग? चलिए बढ़िया। अब आइए, तो ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया, एक बार रट्टा मारेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उत्तर से दक्षिण, यहां पर देखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो बता दीजिएगा 3214 किलोमीटर। और याद करने का तरीका भी यही है, 3214, बस बात खत्म, वो 3214 बोलने की जरूरत नहीं है, 3214 बात खत्म। ऐसा ही आप रटेंगे, जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, तो इसे आप 32,87,263 ये सब बोलने की जरूरत नहीं, 32,87,263 ऐसा ही आप बोलेंगे, लाख हजार करोड़ लगाकर बोलने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? चल तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जल्दी बताइए, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, बोलिए
3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933, बात खत्म। चलिए तो ये हो गया, बोलो उत्तर से दक्षिण की दूरी, पश्चिम से पूर्व की दूरी, चलिए ये भी हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको 10 सेकंड क्या देना है, चलिए बोल दीजिए साथ ही साथ। भारत का दक्षिणी बिंदु, दो बातें, किस अक्षांश और देशांतर पे है और कहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए भारत का दक्षिणी बिंदु 6 degree 4 में उत्तरी अक्षांश पर है, जो ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट से लिया गया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु 8 degree 4 में उत्तरी अक्षांश पे है, जो तमिलनाडु के कैप केमुरिन या कन्याकुमारी से लिया गया। उसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु 37 degree 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के इंदिरा कॉल से लिया गया। भारत का पश्चिमी बिंदु 68 degree 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जो गुजरात के कच्छ के रन के गुआर मोटा से लिया गया। भारत का पूर्वी बिंदु 97 degree 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जो अरुणाचल प्रदेश के की बी थू से लिया गया। बोलिए की बी थू, अच्छे से बोलिए। हाँ इतना अच्छे से नहीं बोला था मैंने। चलिए उसके बाद उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जल्दी बताइए, 3214, दो तीन बार बोलना पड़ेगा याद हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी जल्दी बोलिए, 2933, बस बात खत्म, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्लियर। ये वो सेक्शन है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का, इतना ही है, इतना आपने पढ़ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, और भारतीय मानक समय। चलिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय हेडिंग डालिएगा, और ऑनलाइन वाले एक बार मैसेज करिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैसेज करिए यहां तक समझ में आया, जल्दी मैसेज करिए। चलिए मैसेज करिए जल्दी से, चलिए। अब कर्क रेखा और आईएसटी, अब देखिए पहले कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये भारत बना ली, दक्षिण भारत, यहां से गुजारिए कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में क्या पॉसिबल पॉइंट्स बनते हैं, कर्क रेखा सबसे पहला 23.5 degree उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा के बारे में क्या बताएंगे आप, 23.5 degree उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बता देंगे आप, बता देंगे, दिमाग में फीड कर लीजिए। और आपको बता दूं कि वो कर्क रेखा ही है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, बात खत्म। कर्क रेखा जो 23.5 degree उत्तरी अक्षांश पर है, बता दीजिएगा, भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। और आपको पता है जिसके ऊपर में कौन सा भारत, उत्तर भारत, और नीचे कौन सा भारत, तो वो कौन सी रेखा है जिसने उत्तर भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटा है, तो बता देना कर्क रेखा। ये हो गया। दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है। अब 8 राज्यों के नाम रट्टा मार ले, लेकिन जब 8 राज्य होते हैं तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा राज्यों के नाम पे, तो आप दो दो का पेयर बना लेंगे तो सिर्फ 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले दो राज्य के नाम, पहले दो राज्य गुजरात और राजस्थान, बोल दीजिए जल्दी, गुजरात राजस्थान, बोलिए गुजरात राजस्थान। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिमी का मतलब होता है त्रिपुरा और मिजोरम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं त्रिमी, आप त्रिपुरा और मिजोरम लिख दीजिएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, तो पहले नंबर पे दो राज्य जल्दी बोलिए गुजरात राजस्थान, दूसरे नंबर पे दो राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़,
तीसरे नंबर पे दो राज्य झारखंड पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पे दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक सांस में बोलेंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आगे। चलिए बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पीछे से बोलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आगे से बोला, पीछे से बोला, याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये हो गया आपका। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम ये याद कर लेंगे कि ये वो राज्य है जहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अभी कभी प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आप बता पाएंगे? और खासकर प्रॉब्लम कब होती है, जब आखिरी के त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो आप समझ नहीं पाते हैं कि त्रिपुरा मिजोरम है कि मणिपुर है कि क्या है कैसा है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो त्रिपुरा और मिजोरम बता पाएंगे? चलिए, उसमें भी देखिएगा, सबसे लंबा विस्तार अगर बात करें, सबसे लंबा विस्तार किस राज्य में, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा का सबसे लंबा विस्तार, सबसे लंबा विस्तार यानी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में या किस राज्य से गुजरती है, तो बता देना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है। भाई मध्य प्रदेश वाला एरिया बड़ा है तो कर्क रेखा गुजरेगी तो लंबाई ज्यादा होगी। और सबसे छोटा विस्तार किस राज्य में, त्रिपुरा। लिखिएगा सबसे छोटा विस्तार, सबसे छोटा विस्तार। जनरली लोगों को डाउट होता है राजस्थान को लेकर, तो मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, राजस्थान से भी छोटा किसका लिखा हुआ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे छोटा विस्तार कर्क रेखा का त्रिपुरा है, याद रखिए, सबसे छोटा विस्तार त्रिपुरा, सबसे लंबा विस्तार मध्य प्रदेश का कर्क रेखा, ये भी बता पाएंगे आप। चलिए, ये दो बातें हो गई कर्क रेखा को लेकर। अब देखिए, अब यहां पर चीजें क्या नहीं, मेरे को वैसे गैस्ट्रिक लग रहा है। चलिए, तो कर्क रेखा के बारे में दो बातें बताया मैंने आपको, बातें तो और भी है लेकिन उस बातों को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। चलिए, फैक्चुअल कंटेंट लिख देता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कितना पॉसिबल होता है अभी फिलहाल के तौर पे। तारीख दो याद रखिएगा, 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होती है। दो चीज याद रखिएगा, कर्क रेखा पर, मैं सिर्फ कर्क रेखा की बात कर रहा हूं, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को, और कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कौन सी तारीख को, 22 दिसंबर को होता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन भी देख ही लेते हैं, जब बात आई है तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, हालांकि ये 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन भी कम पड़ता है यहाँ पे। अब देखिएगा, ये जनरली ये इक्वेटर होता है और ये क्या होता है, पोल। हमें लगता है कि सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है, इक्वेटर पे, और तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, तो बताइएगा, पोल पे। हम यही समझते हैं, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है, सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो कहां से कहां वैरी करती है, तो बता दीजिएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा वैरी करती है। फिर कह रहा हूं, सूर्य से आने वाली किरणें, ये देखिए, ये होती है आपकी क्या, सीधी, और ये किरणें होती है क्या, तिरछी। तो पता ये चला कि सूर्य से निकलने वाली किरणें किसी जगह पर अगर सीधी पड़ रही है तो किसी जगह पर तिरछी भी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही? तो सूरज की सीधी किरणों की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ सीधी किरणों की बात करूं, तो ये सीधी किरणें कहां से कहां वैरी करती है, तो बताइएगा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वैरी करती है। ये भी बात समझ में आ रही? ये समझना है आपने, और समझो ऐसा क्यों होता है। चलिए समझिएगा, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी का ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा आर्कटिक, मकर रेखा अंटार्कटिक, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, और ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा आर्कटिक, मकर रेखा अंटार्कटिक, अगर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, तो ये भी गलत है। हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है बताइए, झुकी हुई। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, और कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई है। कितना बताएंगे, 23.5 डिग्री ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इसका मतलब यह है
कि नॉर्मली ये जो बीच से एक अगर आप किसी पाइप को या किसी चीज को अगर आप आर पार करेंगे तो वो हो गया पृथ्वी का एक्सेस, जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है उसको बोलते हैं एक्सेस। और सामने उसी एक्सेस के सामने ये हो गया आपका जीरो डिग्री देशांतर। तो हमारी पृथ्वी झुकेगी तो ये भी, ये जीरो डिग्री देशांतर भी क्या होगा, झुकेगा। तो आप समझिएगा ये 65.5 पर है और ये 90 पर है, तो 65.5 और 90 के बीच में कितना डिग्री होता है, 23.5। इसका मतलब ये जो जीरो डिग्री देशांतर है झुकने के बाद ये हो जाएगा हमारी पृथ्वी का जीरो डिग्री देशांतर। यानी पृथ्वी हमारी जब 23.5 डिग्री झुकेगी तो वो कैसी दिखेगी, तो ये देखिएगा जो पहले ऐसा ये था जीरो डिग्री देशांतर, अब हो जाएगा क्या, ये जीरो डिग्री देशांतर। और जीरो डिग्री देशांतर और जीरो डिग्री अक्षांश के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, 90 डिग्री का, है ना। अक्षांश ऐसा, देशांतर ऐसा, कितना डिग्री हुआ, तो इसके 90 डिग्री पे आप क्या बना दीजिए, जीरो डिग्री अक्षांश, क्लियर। इसके ऊपर 23.5 पे कर्क रेखा, 65.5 पे आर्कटिक, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक, ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल। बात समझ में आ रही, हमारी पृथ्वी एक्चुअल में ऐसे दिखाई देती है, ऐसे दिखाई, वो तो बार बार मुंडी तिरछा करना ना पड़े बोल के हम इसे सीधा रखते हैं, ये सीधा हमारी पृथ्वी नहीं है, हमारी पृथ्वी ऐसी है। और ऐसे ही ये अपने एक्सेस पे भी घूमती है, यानी कि कौन सी गति, घूर्णन गति, और ऐसे ही घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, यानी कौन सी गति, परिक्रमण गति। ये सब पे हम बात करेंगे, जरूरत आएगी तो। फिलहाल तो बताना ये है कि समझिएगा, सूर्य ये मैंने बना दी पृथ्वी, एक इधर बना दिया मैंने पृथ्वी, एक ऊपर भी बना सकते हैं और एक नीचे भी बना सकते हैं। ऊपर नीचे मतलब बेसिकली वो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो एक मैंने यहां बनाया, एक यहां बनाया, पीछे वाले को ऊपर और इधर वाले को नीचे बनाया, इट्स ओके। अब देखिए यहां पर अगर आप खींचेंगे ना, ये देखिए ये, और सेम बनेगा यहां पर भी वैसा ही, सेम 23.5 डिग्री झुकाकर यहां पर भी और 23.5 डिग्री झुकाकर यहां। उस एक शब्द को समझने के लिए, उस एक चीज को समझने के लिए 21 जून और 23 सितंबर को समझने के लिए, हालांकि पृथ्वी गति में आपको पढ़ाऊंगा, पृथ्वी गति में आपको पढ़ाऊंगा तब जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा, जलवायु में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में, मेंस लेवल पे पढ़ाऊंगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये चार पृथ्वी के गोले बनाए मैंने, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, 365 दिन, 6 घंटा वगैरह छोड़ दो बाद में, और यानी कि 12 महीने, यानी कितने महीने, 4 गोलों में 3-3 महीना करके बांट दीजिए। पहली तारीख बोलो 22 दिसंबर, 3 महीने के बाद 21, अच्छा दिसंबर के 3 महीने के बाद 21 मार्च, 21 मार्च के 3 महीने के बाद 21 जून, 21 जून के 3 महीने के बाद 23 सितंबर। बोलिए हाँ, चार डेट बढ़ गए, हमें बाकी डेट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इन 2 डेट से, ये भी बात समझिएगा। जब सूरज की सीधी किरणों की बात करें, सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा, बोलिए मकर रेखा में। इसके अलावा एक बात और समझिएगा, गर्मी में आपने सुना था दिन बड़ी होती है और रात छोटी होती है, ठंडी में आपने सुना है दिन छोटी होती है और रात बड़ी होती है, ये आपने सुना है। चलिए और थोड़ा सा समझाता हूं आपको, दिन 24 घंटे का होता है, एक दिन, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर, जिसमें दिन और रात का रेशियो की अगर बात करें तो दिन 12 घंटे की होती है और रात 12 घंटे की, इसीलिए सुबह के 6 से शाम के 6 12 घंटे का दिन और शाम के 6 से सुबह के 6 12 घंटे की रात। बताना ये है आपको, मेरे को समझाना ये है कि डिटेलिंग हर चीज की इतनी ज्यादा है ना कि इसी डिटेलिंग में आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक घंटा खत्म हो जाएगा, इसी में ही रहते रहते हम 2 से 3 दिन एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पर्सनली कोई चीज जाननी है
कि इसके बारे में डिटेलिंग क्या होती है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली जो कंसेप्ट है वो पढ़ के आगे बढ़ेंगे। चलिए आप समझिएगा, सुबह के 6 से शाम के 6, 12 घंटे का, शाम के 6 से सुबह के 6, 12 घंटे की, ये बात समझ में आ रही। अब बात समझे, गर्मी के मौसम में सुबह के 6 बजे के बजाय 5 ही बजे सुबह हो जाती है और शाम 6 बजे के बजाय 7 बजे तक शाम होती है। यानी सुबह 5 से शाम के 7, 14 घंटे का क्या हो जाता है गर्मी के मौसम में, दिन, और शाम के 7 से सुबह के 5, शाम के 7 से सुबह के 5 यानी 10 घंटे की क्या होती है। तो जो नॉर्मली दिन सुबह के 6 से शाम के 6, 12 घंटे का था, अब दिन जो है गर्मी के मौसम में वो सुबह के 5 से शाम के 7 बजे तक का हो गया, यानी कितने घंटे का, तो 14 घंटे के दिन को आप बोलेंगे दिन बड़ी है और 10 घंटे की रात को आप बोलेंगे रात छोटी है। क्लियर? और जब ठंडी का मौसम आएगा तो ठंडी के मौसम में आप देखिएगा सुबह 6 बजे के बजाय 7 बजे तक अंधेरा रहता है, होता है महसूस करिएगा, और जो 6 बजे शाम होती थी वो 5 ही बजे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो 7 सुबह के 7 से शाम के 5, 14 घंटे का, सॉरी 10 घंटे का क्या हो गया दिन, और शाम के 5 से सुबह के 7 यानी 14 घंटे की हो जाती है क्या आपकी रात, बोलिए हाँ। इस हिसाब से ठंडी के मौसम में रात बड़ी हो गई और दिन छोटी हो गई, समझ रहे, दिन बड़ी रात छोटी का मतलब क्या होता है। दिन बड़ी होने का मतलब कतई 24 घंटे के बजाय 36 घंटे का दिन हो गया, ऐसा मत सोचना, दिन 24 घंटे का ही रहेगा, जो 12-12 घंटे का रेशियो है वो बदल जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि सूरज की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी। जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या लगेगा, और जब सूरज की किरणें कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो क्या लगेगी, आइए बात करते हैं। जब सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है कहां पर, मकर रेखा में, तो मकर रेखा में क्या होगी बताइएगा, गर्मी होगी, और गर्मी में दिन क्या होगी, बड़ी होगी, और रात क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन कहां पर, मकर रेखा। और हम कहां पर रहते हैं, तो हम कर्क रेखा वासी है, और कर्क रेखा पर किरणें कैसी पड़ रही है, तिरछी किरणें पड़ रही है, इसलिए 22 दिसंबर को तिरछी किरणें पड़ने की वजह से कर्क रेखा में क्या होगी, बोलो, तिरछी किरणें मतलब ठंडी, सीधी किरणें मतलब गर्मी, कोई नो डाउट यही है, तिरछी किरणों पे ठंडी होगी और ठंडी में बताइए दिन छोटी और रात, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कौन सी तारीख को होती है, 22 दिसंबर, ये बता पाएंगे आप। चलिए आइए, सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है कब, 6 महीने बाद, यानी कि 21 जून को जब सूरज की किरणें सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी तो गर्मी की ठंडी और गर्मी में दिन बड़ी और रात, तो बताइए कि हमारे लिए मतलब कर्क रेखा वालों के लिए, यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है, 21 जून को होता है, बता पाएंगे आप। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां से समझ पाएंगे आप। ये देखिए, तिरछी किरणों की वजह से 22 दिसंबर को हमारे लिए सबसे बड़ी रात, और जब आपकी रात बड़ी होगी तो उसी समय आपका दिन क्या होगा, अगर मैं बोलूं वो कौन सी तारीख है जब हमारे लिए सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन होता है, हमारे लिए सबसे छोटा दिन कब होगा, हमारे लिए मतलब कर्क रेखा वालों के लिए, कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन वही होगा जिस दिन सबसे बड़ी, और वो तारीख है हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख, और उसी में क्या बताएंगे, हमारे लिए सबसे छोटी रात भी कौन सी तारीख को। तो दिन बड़ी होगी तो डेफिनेटली रात, और जब रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा, कई बार बड़ी रात और बड़े दिन के बजाय छोटी छोटा दिन और छोटी रात के बारे में पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए आइए, आ जाइए यहां पे, तो कर्क रेखा को लेकर तीसरी बात क्या बताएंगे, 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात। एक बात और बता दूं,
जब 21 जून को आप कर्क रेखा पर रहेंगे और सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या नहीं बनेगी आपकी? 21 जून को जब आप कर्क रेखा पर रहोगे और सूरज की किरणें आप पर सीधी पड़ेगी तो आपकी क्या नहीं बनेगी? परछाई। तो बता दीजिएगा कर्क रेखा पर आपकी परछाई कौन सी तारीख को नहीं बनती? तो एक चीज और याद रखिएगा, कर्क रेखा पर व्यक्ति की परछाई कौन सी तारीख को नहीं बनती? तो बता देना 21 जून को। बताइए कौन सी तारीख? 21 जून को सूरज की किरणें आप पर सीधी पड़ती है, इसलिए आपकी उस तारीख को परछाई नहीं बनती दोपहर के टाइम पे जब आप पर किरणें सीधी पड़ती है। चलिए, तो कर्क रेखा समझ में आ रहा है आपको? चलिए कर्क रेखा के बारे में एक बार बता दीजिए जल्दी से। कर्क रेखा के बारे में बताइए सबसे पहले, कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर है? कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबा विस्तार बोल दीजिए, सबसे छोटा विस्तार बता दीजिए। चलिए ये हो गया। अगला कौन सी तारीख बताएंगे? दो तारीख याद रखिएगा। 21 जून को बोलिए कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होती है। क्लियर? और वो परछाई वाला आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, परछाई कब नहीं बनती? 21 जून को, क्योंकि किरणें कैसी पड़ती है आप पे। चलिए अगला भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए हेडिंग डालिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए आईएसटी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जब कर्क रेखा खींची गई तो वो भारत से क्या हुई? गुजरी। लेकिन आईएसटी गुजरती नहीं है, आईएसटी को हमने भारत से गुजारा, मतलब हमने खींचा, आईएसटी को हमने खींचा। तो सवाल यह है कि आईएसटी खींचने की जरूरत क्यों पड़ी? उस पर बात कर लेते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु जो है, हालांकि इस तरफ ऐसा नहीं है, चलिए तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है कौन से देशांतर पे है? 97 degree 25 minute पूर्वी देशांतर पे। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 degree 7 minute पूर्वी देशांतर पर है। क्लियर? इस हिसाब से आप लमसम देखेंगे तो वो हो गया 97 और ये राउंड फिगर में 67, लमसम 67 मान लिया, तो 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों बिंदुओं के बीच में। मैंने आपको बताया था देशांतर का संबंध किससे होता है, तो बता दीजिएगा देशांतर का संबंध होता है किससे? समय से। अगर दोनों बिंदुओं के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 30 डिग्री बराबर 30 × 4 यानी 120 मिनट, यानी कि कितने घंटे? 2 घंटे। यानी कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे अंतर देखने को मिल रहा है? 2 घंटे। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये जो 0 degree देशांतर है जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसके पूर्व की ओर जाने पे समय क्या होता है? जुड़ता है। पश्चिम की तरफ जाने पे समय, अगर आप इस तरफ बढ़ रहे हो तो यहां पर अगर मान लीजिए कितना बज रहा है? 4। तो पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस बताया अभी मैंने? 2। तो 4 बज रहा है तो इधर जाने पे समय जुड़ रहा है, तो यहां और यहां के बीच में 2 घंटा जुड़ेगा तो ये कितना बजेगा? 6। तो यहां 4 बज रहा है, यहां 6 बज रहा है और दोनों के बीच में कितना बजेगा? 5 बजेगा। 4 और 5 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बजेगा? बोलो 4.5। 5 और 6 के बीच में समय कितना होगा? बोलो 5.5। फिर 4 और 4.5 के बीच में कितना? 4.25।
पौने पांच, सवा पांच, पौने छह, यानी अलग अलग जगहों के समय क्या थे, अलग अलग थे। यहां चार बज रहा है, यहां साढ़े चार बज रहा है, यहां पांच बज रहा है, यहां साढ़े पांच बज रहा है, यहां छह बज रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो एक छोटी सी परिभाषा आपको मैं बता दूं, परिभाषा, क्योंकि जब भी कोई चीज समझ में ना आए ना कि आईएसटी क्या है, तो उसे क्या कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो लिखिए परिभाषा, बोलिए भारत में समय की विषमताओं को दूर करने के लिए बोलिए भारत में समय की विषमताओं को दूर करने के लिए और एक मानक समय को स्थापित करने के लिए, मानक समय मतलब एक ही स्टैंडर्ड टाइम रहे भारत में, एक मानक समय को स्थापित करने के लिए भारत के बीचों बीच क्या खींची गई, भारतीय मानक समय रेखा खींची गई। बता पा रहे हैं, भारत में समय की विषमताओं को, ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं, चार बज रहा है, साढ़े चार बज रहा है, पांच, साढ़े पांच, छह दिख रहा है, यही भारत में समय की विषमताओं को क्या करने के लिए, और भारत में एक ही समय रहेगा, एक मानक समय को स्थापित करने के लिए, भारत के बीचों बीच क्या खींची गई। आप भी चाहोगे कि चार बज रहा है, छह बज रहा है, बीच में पांच बज रहा है, तो जब समझ में नहीं आता क्या करें, तो एक ही मार्ग होता है और वो होता है मध्यम मार्ग। जब समझ में नहीं आता कि राइट मुड़ू लेफ्ट मुड़ू, चल यार सीधा चलते हैं, बीच का रास्ता, तो हमने क्या अपनाया, दोनों के बीच का, कि एक घंटा ये एडजस्ट कर ले और ये घंटा ये एडजस्ट कर ले। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, ये सही है, चार, साढ़े चार, पांच, ये समय सही है, ऐसा होना चाहिए, बोलो नहीं समय ये गलत है, क्यों गलत है। अगर आप यहां से यहां की ओर बढ़ते हैं, तो जब आप यहां से निकल रहे थे तो कितना बज रहा था, और उस समय यहां कितना बज रहा था। आप आधा घंटे का सफर तय करके जब यहां पहुंचोगे, तो साढ़े चार आधे घंटे बाद कितना बज रहा होगा, अरे साढ़े चार आधे घंटे बाद कितना बजेगा, तो जब आप निकले तो कितना बज रहा था, आधे घंटे सफर तय करने के बाद जब आप पहुंचे तब भी कितना बज रहा है। ये सही है, नहीं ये सही है, लेकिन ऐसा होना गलत है, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, ऐसे तो फिर अलग अलग समय। तो हमने क्या किया, क्या खींचा, हमने भारत के बीचों बीच क्या खींच दी, आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम खींच दी, हमने खींची है। क्यों खींची है, बात समझ में आ रही, भारत में समय की विषमताओं को दूर करने के लिए और भारत में एक मानक समय को स्थापित करने के लिए हमने भारत के बीचों बीच क्या खींच दी, भारतीय मानक समय रेखा खींच दी। अब इनके बारे में, इनकी डिटेलिंग आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। आईएसटी के बारे में सबसे पहला चीज क्या बता दीजिएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा, कौन से डिग्री पर है, 82.5, क्यों, क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट। जब दोनों के बीच में जब आप खींचोगे ना, तो कहां पर खींचाई, 82.5 डिग्री पर। और भारत में जितने भी देशांतर खींचोगे, वो कौन से देशांतर होंगे, कौन से होंगे, अरे बोलो कौन से होंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो जो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, वहीं आईएसटी किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींची गई लाइन को ही क्या कहते हैं, आईएसटी कहते हैं। बात समझ में आ रही, तो आईएसटी जो है वो किस देशांतर पर है, किस देशांतर पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। एक और बात, एक बात क्या, बहुत सारी बातें, दूसरा, जब आईएसटी खींचा गया और 82.5 डिग्री पे खींचा गया, तो ये 0 डिग्री देशांतर, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना डिग्री आगे हुआ, 0 से 82 डिग्री आगे, और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट बताया था मैंने, काउंट कर लीजिए,
साढ़े 82 में 82 मतलब कितना, एक पे चार तो 82 पे 82 इंटू चार यानी 328 मिनट, और एक पे चार तो आधे पे दो, यानी 82 और आधा कितना हो गया, साढ़े 82 और 328 और दो कितना हो गया 330। 30 मिनट को अलग कर दो यानी आधा घंटा, 300 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो घंटे में बदलने के लिए, कितना आया 5, और आधा कितना हुआ 5.5। तो ये जो आईएसटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे हुआ, 5.5 घंटा। तो आईएसटी जो है सबसे पहला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, दूसरा आईएसटी इट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या जीएमटी से कितना घंटा आगे है तो बता दें, ये भी बात समझ में आ रही। दूसरा, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम खींची गई तो सबसे पहले कहां से गुजरी, ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से। वैसे ही जब हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम खींची तो यह भी सबसे पहले कहां से गुजरी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक जगह से गुजरती। तीसरा पॉइंट, आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाते चलिए, जितने पॉइंट्स होंगे उतना आप सेफर साइड में रहोगे, जितने पॉइंट होंगे उतने आप सेफर साइड में होंगे। तो सबसे पहले आईएसटी कौन से देशांतर पर है जल्दी बताइए, आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस इंटरनेशनल या ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सबसे पहले कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो बता देना, 5 राज्यों से गुजरती है, उन 5 राज्यों के नाम, बस 2 मिनट दीजिए इसको खत्म कर देता हूं। 5 राज्यों में सबसे पहला बोलिए उत्तर प्रदेश, फिर बोलिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर बोलिए ओडिशा, और उसके बाद बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश, यानी यूपी एमपी सीजी, जल्दी बोलिए, उसके बाद के 2 राज्य ओडिशा आंध्र प्रदेश, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इन 5 राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जमाइए। आईएसटी भाग की कितने राज्यों से गुजरती है, उन 5 राज्यों का नाम, पहले 3 राज्यों को एक साथ बोल दीजिए जल्दी, यूपी एमपी सीजी, और उसके बाद के 2 राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी याद हो गया। उसके बाद एक और आखिरी चीज ये जो आपका कर्क रेखा है और आईएसटी खींची गई, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, कहां पर, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में, सोनहट तहसील में काटती है। कर्क रेखा और आईएसटी एक दूसरे को कहां पर काटती है जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। चलिए ये हो गया, ये पॉसिबल पॉइंट्स है आईएसटी को लेकर जो आपको याद होना चाहिए, एक रिवीजन कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। चलिए एक बार बोल दीजिए सब, बस आखिरी है ये। चलिए तो आईएसटी किस देशांतर पर है जल्दी बोलिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है, सबसे पहले कहां से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उन 5 राज्यों में पहले 3 राज्यों के नाम, और उसके बाद के 2 राज्य याद रखिएगा, और कर्क रेखा को आईएसटी कहां पर काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। क्लियर? कल का हमारा टॉपिक होगा समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। चलिए क्या मैं आपको समझा पाया, मैसेज करिए एक बार, चलिए मैसेज करिए एक बार, क्या मैं आपको समझा पाया। चलिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।